प्रदेश में आतंकी हमले की धमकी की सूचनाएं मिलने पर बीकानेर जिले में भी अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचना पर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने 17 से 19 मई तक अलर्ट जारी किया है। आरपीएफ और जीआरपी के जवान आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखे हुए हैं, तो वही डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान और ट्रेनों के अंदर भी जाँच की जा रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर क्यूआर टीम भी तैनात की गई है। बीकानेर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया फर्स्ट इंडिया संवाददाता संजय पारिक ने। आतंकी हमले के अंदेशे के चलते बीकानेर में अलर्ट जारी किया है। बीकानेर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने अलर्ट के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते जो बीकानेर जिले में जितने भी जो बस स्टैंड है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी पर सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। 17 से 19 तारीख तक ये अलर्ट है वो जारी किया गया है। अभी हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे जो स्टेशन पर सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले यात्रियों पर विशेष नज़र है वो रखी जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं वो लगातार यात्रियों और उनके सामान की चेकिंग है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद है वो ली जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी है वो ना हो। जो आरपीएफ के जो एसएचओ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो ट्रेनों के अंदर किस तरह से यात्रियों की जांच है वो की जा रही है? ये आधुनिक जो अपने पास में उपकरण, उनके द्वारा जांच की जा रही है, और डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी के माध्यम से उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, और बैगेज स्कैनर मशीन चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ के जवान है वो भी बढ़ाए गए हैं अलर्ट के मद्देनजर? बिल्कुल, आरपीएफ के जवान लगातार इनकी गश्त जारी है, और सिविल पुलिस भी है, जीआरपी भी है, आर्मी के लगे हुए हैं, आर्मी के जवान है वो भी लगे हुए हैं। जीआरपी एसएचओ है, उनसे भी बात करेंगे। सर, स्टेशन पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ाई गई है अलर्ट के मद्देनजर? अलर्ट मद्देनजर रखते हुए सेना छावनी से 10 जवान आए हुए हैं, राजस्थान पुलिस सिक्योरिटी 10 आदमी आए हुए हैं, बाकी मैं जीआरपी स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ, डॉग स्क्वाड सभी साथ होकर संयुक्त चेकिंग की जा रही है, पूरी सतर्कता बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अलर्ट है वो जारी किया गया है, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, आर्मी के जवानों की मदद है वो भी ली जा रही है। चूंकि बीकानेर सीमावर्ती इलाका है, इसके चलते यहाँ की सुरक्षा वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ संजय पारिक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।